रांची में रहता था, वहां से मैं राजस्थान आया और 47 से लेकर के 57 ये 10 साल मेरे पहले स्वतंत्र भारत में राजस्थान में ही बीते। और मैं शेखावटी की बात करूं तो आज मैं बता रहा था रामदास जी को कि जब मैं जयपुर के हवाई अड्डे पर उतरा तो एक पुलिस का अधिकारी वो मुझे आकर के नमस्कार करके कहने लगा कि मैं अपना परिचय कराऊं। मैंने कहा जरूर कराइए। कहा मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं बिशन सिंह जी का लड़का हूं। अब तुरंत मुझे ध्यान में आया बिशन सिंह कौन है। उनको पता था कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए उन्होंने मुझे परिचय करवाया अपने पिताजी के नाम से। और बिशन सिंह जी भैरव सिंह जी के छोटे भाई थे। और इतना ही नहीं तो मैं कह सकता हूं कि भैरव सिंह जी अगर जनसंघ के साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, हमारी पार्टी में आए तो वो बिशन सिंह के कारण आए। और बिशन सिंह जी ने आकर के हम उस समय उम्मीदवार ढूंढ रहे थे कि कौन प्रत्याशी हो सकता है पार्टी का, तो हमको सोच रहा था कि भाई खाचरियाबाद से किसको खड़ा करें, क्या करें। तब बिशन सिंह वो आकर के मुझे कहने लगे अडवाणी जी मेरे भाई साहब को खड़ा कर दीजिए। मैंने कहा भाई साहब कौन? कहा उनका नाम है भैरव सिंह जी शेखावत। मैंने कहा जरूर बहुत अच्छा होगा। और इसीलिए राजस्थान में भी शेखावती के साथ एक लगाव रहा। तो आज जब कहा कि सुभाष जी के क्षेत्र में जाना है, चौमू जाना है, मैंने पहले सोचा कि शायद सीकर जाना होगा।